या हेलो ऑल। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो आपका एग्जाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसके रिगार्डिंग आपका अपडेट है एग्जाम डेट के बारे में। तो एक जो नोटिस है वायरल हो रहा है, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आया था और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे भी भेजा, और बहुत ज्यादा टेंशन में है कि सच में एग्जाम डेट ये है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिसंबर में ही बोला था कि आपका एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में स्केड्यूल है, ठीक है। लेकिन इसका एक और पॉइंट है कि मतलब 10 दिन पहले और 15 दिन पहले अनाउंसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम नोटिस देख लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जज करना है कि ये नोटिस फेक है या सच है, ठीक है। ओके, तो ये जो नोटिस है ये वायरल हो रहा है, तो इसमें एक प्रॉपर लेटर है टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, है वो, ठीक है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। जैसे अपना मेन क्या है, इधर लिखा है कि जो एग्जाम स्केड्यूल्ड है 25 और 26 मार्च को, ठीक है, उसके लिए जो सेंटर्स अलॉकेट किए हैं, जैसे कि ये सेंटर लिस्ट है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में भी दिए थे, ठीक है, इतने सारे सेंटर है, तो उधर अभी अरेंजमेंट का काम चालू होना, ठीक है, आज से चालू होगा। और ऊपर आज का डेट है 9 मार्च है, और इधर भी साइन सिग्नेचर में भी 9th ऑफ मार्च है, ठीक है। सो जो फैसिलिटेशन काउंटर होता है उसका लास्ट डेट है 15 मार्च, मतलब 15 मार्च तक पूरे सेंटर्स में जो भी काउंटर्स रहेंगे उसका डेटा उनको चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक नोटिस है, ठीक है, जो कि प्रॉपर लग रहा है देख के। अभी देखिए, अभी सबसे पहले अगर ये आया है तो मतलब आपका जो अनाउंसमेंट है, ओके, ध्यान से सुनिए, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम होता है, अच्छे से सुनिए कि जो आपका अनाउंसमेंट है वो आपका कल या 13 तक ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, ये श्योर है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लग रहा है नोटिस है। तो अगर ये सच है तो आपका अनाउंसमेंट है तो 10 to 13 में होगा, ओके, एंड देन ऑब्वियसली आपके 10 दिन में एडमिट कार्ड आते हैं। अभी बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसा कैसे 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो जो आईबी का एग्जाम हुआ है उसको स्टूडेंट्स को सिर्फ 8 दिन मिले थे, ओके, 8 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ओके। और ऑलरेडी आपके पास एक टारगेट था डेट, जो कि आपका, मैं बोला था आपको मार्च लास्ट वीक, तो मैक्सिमम चांसेस है, मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है ये जो नोटिस है आपका वो ट्रू है, अगर 10 to 13 मार्च में आपका अपडेट आया तो ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे अपडेट आता है मैं आपको क्विकली जरूर बताऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आप जो अपना स्टडी है वो प्रॉपरली करिए, ठीक है, आपका रिवीजन चालू होना चाहिए, ऑलरेडी आपके पास टारगेट डेट था तो रिवीजन मुझे लगता है आपका चालू होना चाहिए। और जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, ओके, जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट है ट्राई करो कि 15 to 18 तक खत्म हो, अगर ये एग्जाम डेट है तो, डेट इज योर 25, ठीक है। अभी इसमें भी आपका 25 26 से मतलब 25 को एटीसी होगा और 26 को एओ होगा, ओके, ये भी मैक्सिमम चांसेस है। तो एक दिन नहीं होगे, 25 को एटीसी होगा, 26 को एओ होगा, ठीक है। तो जो एटीसी वाले हैं वो पकड़ सकते हैं 25, और जो ए है वो पकड़ सकते हैं 26। तो जितना भी अभी सिलेबस बचा है आपका ट्राई करो 15 to 18 तक कवर कर पाओ, लास्ट के जस्ट आपके दिन है, ओके। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि 10 to 10 to 13 तक आता है कि नहीं आपका अनाउंसमेंट। अगर हुआ तो ये ऑफिशियल है, नहीं हुआ तो वेट करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।